वो तो सब चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। जोधपुर में जो एम्स जो रेगुलर सर्विसेज जो चालू हुई है, रोजाना की 6,500 से 7,000 की ओपीडी है, जो कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को, मध्य प्रदेश को और उसके साथ साथ पंजाब को कवर करती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग पहले जोधपुर से बाड़मेर जाते थे 5.5 घंटे लगते थे, कमर में बैक पेन होता था, आज 3 घंटे में बाड़मेर पहुँच जाते हैं। सड़कें बढ़िया बना दी। पहली बात, जोधपुर किसी ज़माने में अंधेरे में डूबा रहता था, 2 बार खुशी होती थी, जब घर में शादी होती थी और एक जब रात को लाइट आती थी, खुशी 2 बार ही होती थी जोधपुर में। आज 24/7 लाइट है, 24/7 वाटर है। और दूसरा, जो एजुकेशन हब जो जोधपुर बना है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 है चार्टर्ड अकाउंटेंट देने के अंदर जोधपुर। वो अशोक गहलोत के समर्थक बोलते हैं कि सब गहलोत जी ने करवाया। सर ऐसा है कि अशोक गहलोत जी के समर्थक, मुझे जानकारी नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, बट मैं पढ़ा लिखा हूँ। जसवंत सिंह जसोल साहब हेल्थ मिनिस्टर थे और विदेश मंत्री थे, सुषमा स्वराज हेल्थ मिनिस्टर थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त एम्स की आधारशिला रखी गई थी, उसके ज़माने में अप्रूव हुआ था, और जब एम्स का जो रेगुलर जो हुआ है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। कल एक समर्थक मिले जसवंत सिंह जसोल के, बड़े नाराज़ थे वसुंधरा से, कह रहे थे बताइए, बूढ़ा आदमी पूरी ज़िंदगी पार्टी की सेवा की, एक आखिरी 2014 में चुनाव लड़ना चाहते थे पर वसुंधरा ने वो भी नहीं लड़ने का जनादार नहीं था। जसवंत सिंह जसोल साहब जिस जगह से चुनाव लड़े ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस कभी लौट के नहीं गए। जोधपुर से लड़े थे 90 के अंदर, चुनाव जीते चले गए, जोधपुर से जीते चित्तौड़गढ़ चले गए, उसके बाद में उन्होंने जाकर के सीधा चुना दार्जिलिंग, जहाँ पे 32,000 के मतदाता हैं। तो जहाँ से चुनाव लड़े वापस वहाँ लौट के ही नहीं गए, तो फिर लोग उनको वोट क्यों दे। और दूसरा, उनके पुत्र ने अगर बगावत की तो 5 साल तक जो सैलरी लेनी थी, भत्ते लेने थे, लोकसभा चुनाव के बाद में ही विरोध करते थे, तो 5 साल सैलरी भत्ते पूरे ले लिए, चुनाव का खर्चा पूरा मैनेज कर लिया, उसके बाद में उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी, मुद्दा ये है। तो जोधपुर में खूब काम हुआ है, पूरे भारत में काम हुआ साहब। नहीं, मैं अभी पूरे भारत का हिसाब किताब लेने नहीं निकला हूँ, अभी राजस्थान, जोधपुर के अंदर जितने लोग यहाँ पे हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट राजस्थान और भारत सरकार का है कि नॉन करप्शन गवर्नमेंट आई है। यू कैन नॉट इमेजिन इन इंडिया कि हम लोग करप्शन के बिना सरकार चला सकते हैं। आज ही के अखबारों में मैं पढ़ रहा था ऐसा, और आप लोग चूंकि जनता हैं तो आप लोगों की राय लेना ज़रूरी है। आज के अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बिजली वितरण घोटाले का इल्ज़ाम लगाया है वसुंधरा राजे सरकार पर, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं कि अडानी से जिंदल से महंगी बिजली हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं? सर पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में जितनी बिजली आपूर्ति होती है वो या तो होती है टॉरेंट से, या होती है जिंदल से, या होती है अडानी से। दूसरा, अगर चोरी हुई तो क्या कल परसों रात को कोई भगवान सपने में आए थे कि साहब चोरी कल हुई है, 5 साल पहले हुई, 2 साल पहले हुई, उस वक्त आरोप लगा देते, चुनाव का वेट क्यों करते थे? इसका मतलब उनकी मिली भगत थी। चुनाव के 2-3 साल पहले बता देते कि चोरी हुई है तो हम भी मानस बदल लेते। चुनाव से 7 दिन पहले उनको कैसे पता लग गया? कोई या तो ईश्वर ने कहा उनको कि भैया राजस्थान में चोरी है, ध्यान रखना, ये कैसे यकायक कैसे हो गया? और राजस्थान के चुनाव में जनता के मुद्दों के अलावा ईश्वर के मुद्दे भी बड़े आ रहे हैं। ईश्वर का मुद्दा क्या, भावना का मुद्दा था? हाँ, भावना का मुद्दा है। अच्छा, इसमें ईश्वर का मुद्दा क्या है? नहीं नहीं, गोत्र बताया जा रहा है, जाति बताई जा रही है। गोत्र वो लोग बता रहे हैं जिनको अपने गोत्र पे शंका थी। हाँ। जिनके पिताजी हिंदू थे, जिनकी दादाजी हिंदू थी, जिनके दादाजी मुसलमान थे, वो बता रहे हैं। मुझे तो पता है मैं सैंडिले गोत्र का हूँ। हाँ। तो जीवन पर्यंत मुझे याद रहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको अपना गोत्र पता है। तो जिनको शंका होती है वो बताते हैं। और कांग्रेस जो दावे कर रही है बड़े बड़े, कांग्रेस के दावे तो 70 साल से चल रहे हैं। गरीबी हटाएंगे उनका ही दावा था, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे उन्हीं का दावा था। तो दावे तो कांग्रेस का काम ही दावों का है, काम का थोड़ी है। प्रियावती जी, लेकिन हुआ क्या उसका? SC ST एक्ट भी दरअसल ही हुआ ना, क्योंकि जन भावनाओं को आपको लेना पड़ा उसके अनुसार, तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय दे दे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। नरेंद्र मोदी, आपकी क्या मांग है नरेंद्र मोदी सरकार से? नरेंद्र मोदी सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, हमारी जो मांग है हमारी सेल्फ ही है। अगर कोई सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही अगर नहीं लेके आई तो हमें खुद को लेके आना पड़ेगा सर। कैसे लाएंगे? वो हम विरोध करेंगे, सबको झुकना पड़ेगा सर, चाहे कोई भी दल हो, हमको उनको झुकना पड़ेगा सर। कैसे झुके? SC ST एक्ट में झुके, सारे जो मुद्दे होते हैं उनके अंदर झुके। क्या कह रहे हैं? जो 92 में भी हुआ वो 2019 में भी हो सकता है। जिस तरह जनता ने वहाँ पे जो एक ढांचा गिराया था, उसी तरह जनता मंदिर भी बना सकती है। ढांचा नहीं बना, फिर तो मंदिर बन जाएगा। लेकिन ढांचा तो गिर सकता है, कोई चीज खत्म की जा सकती है एक झटके में, बनाने में तो बहुत वक्त लगता है ना। ऐसा है, जनता हिंदू अयोध्या में जनता इतनी मंदिर बनाने के तत्पर है कि आप चंद दिनों में वो मंदिर खड़ा हो सकता है। आप चाहो तो जनता चाहे तो
आप क्या कह रहे थे ढाई दिन सर? राजस्थान में एक जगह है ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन में बन के तैयार हो गया था वो। तो ढाई दिन अगर वहाँ पे अगर हम लोगों को मिल गए तो भव्य मंदिर बन जाएगा। अभी जो वहाँ पे समागम हुआ था उसमें आप गए थे? समागम में नहीं जा पाया था मैं, लल्लन टॉप देख रहा था उस वक्त। हम लोगों को मौके तो आपको तो यहाँ खड़े, जब आवश्यकता होगी तब जाएंगे मंदिर बनाने। वो संत समागम था, हम लोग तो सब ग्रस्त वाले लोग हैं, जब होगा आह्वान तो हम लोग जाएंगे मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। बानवे में भी गए थे क्या? बानवे में बहुत छोटा था, 9 साल का ही था। चलिए बढ़िया है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, जहाँ पे जनता अपनी अपनी आकांक्षाओं को अपने अपने ढंग से प्रकट कर रही है, और उन सबके बीच हमें ये नरेंद्र मोदी के फैन मिल गए जिन्होंने अपने तर्क आपके सामने रखे। शुक्रिया।